difference among company. Difference among company are difference किसके बीच में होगा? One person company, private company and public company. Okay. The basis are, first basis is number of member. यानी इनका जो पहला आधार होगा डिफरेंस करने का उनके नंबर ऑफ पर्सन के नंबर ऑफ मेंबर के आधार पे. इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज वन. यानी इसमें अधिक से अधिक और कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं? एक. इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज टू एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 एक्सक्लूडिंग its present and past employee member under the company act 2013. यानी private company में minimum कितने लोग हो सकते हैं? दो. अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 200. किसको छोड़ते हुए? उनके previous और present member को छोड़ते हुए. किसके आधार पे? company act 2013 के आधार पे. लेकिन in the case of public company के लिए क्या है? The minimum number of member is 7. There is no limit to the maximum number. यानी minimum number कितने होने चाहिए, number of member कितने होने चाहिए? In the case of public में company में 7 और maximum के लिए कोई limit नहीं है. अब दूसरा आधार आता है जो वो है transfer of share. यानी company का जो share transfer कर सकते हैं, कहाँ पे applicable है और कहाँ पे applicable नहीं है. तो transfer of share in the case of one person company not applicable. यानी यहाँ पे कोई apply नहीं हो सकता. लेकिन in the case of private company, article of association restricted to transfer of share. यानी article of association के अंतर्गत क्या है? इसको transfer करने के लिए restriction है. यानी इसको transfer नहीं कर सकते. But in the case of public company, transfer of share is usually without any restriction. यानी in the case of पब्लिक कंपनी की कंडीशन में शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी के भी नाम पे. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड थर्ड डिफरेंस क्या है? प्रॉस्पेक्टस की कंडीशन में वन पर्सन कंपनी में क्या है? वन पर्सन के हिसाब से नॉट अप्लीकेबल. यानी प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है. लेकिन इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड. यानी इसमें प्रॉस्पेक्टस तो है लेकिन इसको इशू नहीं किया जा सकता. लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर. यानी यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू की जाती है किसके लिए? इन्वाइट करते हैं किसको? अपने शेयर होल्डर को. इसके लिए क्या करती है कंपनी? शेयर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस भी इशू करती है. इफ नॉट ए स्टेटमेंट इज लीव ऑफ द प्रॉस्पेक्टस इज फिल्ड with the registration of company. ये एक statement नहीं है बल्कि इसको registration के time पे ही उसको company को show करनी होती है, filled करनी होती है. Same. अब next जो आती है आपकी number 4 में subscription of share. Subscription of share in the case of one person company में share cannot be offered to public. यानी subscribe नहीं कर सकती है company. कहाँ पे? One person company में company share subscribe नहीं कर सकती. कहाँ पे? Public में. The same प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम यही चीज है. शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक. लेकिन प्राइवेट कंपनी में भी कंपनियां शेयर ऑफर नहीं कर सकती किसमें? पब्लिक में. लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर कैन बी ऑफर टू पब्लिक. यानी इसकी कंडीशन में कंपनी शेयर को ऑफर कर सकती है. कहां पे? पब्लिक में. अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पे इनका क्या डिफरेंस है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे वन पर्सन कंपनी स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी. यानी इसके लिए जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होगी तो इसके लिए स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेसेसरी है. ठीक है. नेक्स्ट सेम ही चीज प्राइवेट कंपनी के लिए भी क्या है? स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी. यानी इसके लिए भी एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट है. लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी टेबल एफ given in the company act 2013 may be adopted. इसके condition में कौन से act को लिया जाता है? table F के अंतर्गत company act 2013 may be adopted. okay. अब next आता है यहाँ पे number of director. यानी number of director किसने होंगे? किसने? private, public and
वन पर्सन में, तो वन पर्सन की बेसिस पे आप देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। इट मस्ट हैव एट लीस्ट टू डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 50, यानी वन पर्सन कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए तो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। सेम यही किस में करता है, प्राइवेट कंपनी के में भी यही सेम चीज है। इट मस्ट हैव एट लीस्ट टू डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 50, इसमें भी मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट दो और मैक्सिमम 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। थर्ड, इट मस्ट हैव एट लीस्ट 3 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15, यानी पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 और मैक्सिमम 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, आती है आपकी अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर की बात करते हैं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर वन पर्सन कंपनी में नॉट अप्लीकेबल, यानी इसमें कोई शेयर अप्लीकेबल नहीं, अलॉट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओनली वन पर्सन ही है। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर में भी अलॉटेड एज द डायरेक्टर डिसाइड, यानी जब भी इसको शेयर अलॉट करना होता है तो उसके लिए किसकी डिसीजन डिसाइड करता है, वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेम अगर पब्लिक कंपनी की कंडीशन देखा जाए तो शेयर कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्राइब हैज बीन रिसीव, यानी अलॉटमेंट कर सकती है लेकिन उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, यानी सब्सक्राइब होनी चाहिए। कितना? तो भी मिनिमम कितनी है, 90% है, जिसको हम लोग कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट के आधार पर अगर हम कंपनी को डिफाइन किया जाए अलग अलग, तो पब्लिक डिपॉजिट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी इट कैन नॉट इन्वाइट एनी एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, यानी पब्लिक अगर वन पर्सन कंपनी है तो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करती है, किसमें इन्वाइट नहीं कर सकती है, किसका, पब्लिक डिपॉजिट को। सेम प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेम यही चीज है, इट कैन नॉट इन्वाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये भी एक्सेप्ट नहीं करती है और कोई डिपॉजिट। लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं, इट कैन इन्वाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये डिपॉजिट अप्लाई कर सकती है और इन्वाइट कर सकती है, और इसको डिपॉजिट फॉर्म किससे, पब्लिक से। अब लास्ट नेक्स्ट आता है, वो आती है नेम, यानी नेम के आधार पर पब्लिक वन पर्सन कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द वर्ड ओपीसी इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ नेम, यानी इसके नाम में ओपीसी का यूज किया जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आर यूज एज पर द नेम। अब उस कोई भी कंपनी अगर है प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए कौन से लास्ट में वर्ड यूज किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड आर यूज एज अ पार्ट ऑफ नेम, उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड यूज होती है। लेकिन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी द वर्ड लिमिटेड इज यूज एज पार्ट ऑफ द नेम। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए उसके अंदर में क्या लिखा जा सकता है, वर्ड में क्या सकती है, लिमिटेड वर्ड का यूज कर सकता है। इस तरह से ये था डिफरेंस एवं वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकॉर्पोरेटेड ऑफ कंपनी। ओके, थैंक यू। इनकॉर्पोरेशन ऑफ